दीपावली हिंदुस्तान में इस कदर इस त्योहार की धूम है जिसे हर कोई बड़े ही दिल से बड़े ही चाव से मनाता है। लेकिन इस साल 2020 में कोरोना वायरस ने जिस तरीके से हर एक पर्व को अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया, उसमें अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी शामिल हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस जो कि पूरे देश में अब भी फैला हुआ है, कोरोना की चपेट में अभी भी लाखों लोग आ रहे हैं, तो वहीं दीपावली भी इस कड़ी में आ गया है। अभी अभी हाल में लोकतंत्र का महापर्व बिहार में खत्म हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन इसके बाद दस्तक दिवाली ने दे दी है। दिवाली नजदीक है, आज धनतेरस है। कहा जाता है कि धनतेरस पर लोग बाजार में निकल कर खूब खरीदारी करते हैं, बढ़ चढ़ कर सामान खरीदते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, बाजार में गजब का उत्साह दिखता है। इस बार की दीपावली में और इस बार के धनतेरस अगर आप देखें तो बाजार बिल्कुल फीका सा दिखेगा आपको। बाजार में व्यवस्था तो पूरी है, सामान तो पूरे हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। हर साल की तरह इस साल अगर हम देखें तो कोरोना की वजह से धनतेरस में उत्साह भी कम दिख रहा है। सामान की व्यवस्था पूरी है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। जिस तरह अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख दिया है कोरोना वायरस ने, और अब धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, दीपावली जैसे बड़े पर्व में भी साफ साफ देख सकते हैं कि बाजार में पूरे तरीके से साज सजावट रखी गई है, लेकिन फिर भी आज धनतेरस है और आज कोई खरीदार भी इसे खरीदने वाला नहीं है। बिक्री यही है कि इस बार पूरा डामाडोल है, एकदम चल ही नहीं रहा है मार्केट। पौर साल तो अच्छा चला था, पौर साल पूरा अच्छा चला था, लॉकडाउन के बाद में एक मूर्ति ले रहा है तो पूछ के जा रहा आदमी, तो कोई बिक्री नहीं हो रहा है। नहीं देख रहे, यहाँ से लेकर पूरा दुकान पूरा भरल है। पौर साल तो मेरा धनतेरस के दिन पूरा बिक गया था। आपको बता दें कि आज धनतेरस है, आज से दीपावली शुरू है, बाजार में रौनक तो है लेकिन खरीदार कोई नहीं है। जवाबदेही आखिर कौन तय करे? लोकतंत्र का पर्व तो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया बिहार में, लेकिन आस्था के इस पर्व को आखिर किस तरीके से निभाया जाए? कोरोना की वजह से कोरोना की चपेट में आ गया अब ये पर्व दीपावली भी, और इसका असर अब बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार में नए नए सामान खरीदने वाला कोई नहीं है। धनतेरस में लोग नए नए सामान खरीदते हैं, बाजार में निकलते हैं, भीड़ होती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के खौफ से लोग बाहर जाकर खरीदारी भी करने में कई दफा सोच रहे हैं। अब इसकी जवाबदेही कौन तय करे ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन हर त्योहार की तरह साल के इस त्योहार भी, अगर हम कहें कि साल का ये त्योहार जो कि दीपावली भी है, वो भी कोरोना की चपेट में आता दिख रहा है। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।